ड्यूटी फैमिली व्हाट्सअप। तो आज मैं मुझे घर में रह रहा है कि मुझे बोर लग रहा था, तो मैं सोचा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं चलूँ रिंग रोड, पांची का रिंग रोड। तो मैं वहाँ जा करके जाऊँ, बोर लग रहा, तो मैं भी सोचा चलते चलते आज क्यों ना ब्लॉगिंग शूट कर ले। तो बस मैं आगे वहाँ जा करके आपको ब्लॉगिंग शूट करके दिखाऊँगा। और क्या, बाल तो मेरा स्ट्रेट है, हाँ, तो ब्लॉगिंग करके दिखाता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये न्यू रोड बना है तो गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। और मैं अभी पहुँचा हूँ संकुलदीप स्कूल, और संकुलदीप स्कूल पीछे था, आगे बढ़ गया। और अभी हम धोनी के घर के पास है, मैं इसका अलग से ब्लॉग वीडियो बना दूंगा धोनी का घर वाला, क्योंकि पुराना घर है धोनी का, जहाँ पहले रहता था, अब नहीं रहता है, अब पता नहीं कहाँ रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम धोनी वाला, धोनी का रोड वाला घर यहाँ पे, वहाँ पे दिखता होगा आपको धोनी का घर, एक सेकेंड, यही है धोनी का घर। मैं इसका अलग से ब्लॉगिंग कर दूंगा और वीडियो ले आऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले रोड पे जाऊंगा, और मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि ये वाला रोड शॉर्टकट ले जाता है रिंग रोड के लिए। तो मैं पता नहीं, मैं इस रास्ता तो देखा नहीं हूँ मैं ये रास्ता, मगर मैं ये रास्ता भी जाऊंगा, और पता नहीं अब कहाँ निकालेगा। दोस्त तो बोला था यही रास्ता से रिंग रोड निकालेगा, मैं अकेले हूँ तो किसी से पूछ भी नहीं सकता हूँ, और मैं अभी यही रास्ता से जाऊँगा। रोड तो पहुंच गए गाइस, और नलकूप का बीच दिखता होगा आपको, और इस वाले रोड से मैं जाऊंगा रिंग रोड, इस वाले रोड से। और इस वाले रोड में पेट्रोल पंप है, मैं अभी पेट्रोल भरा लूँगा, और मैं पीछे से आया हूँ, और अभी मुझे इधर जाना है, और वहीं पे है रिंग रोड। ये ऊपर जितना ब्रिज के ऊपर से पूरा रिंग रोड है, पता नहीं रिंग रोड कहाँ तक बना और कहाँ तक दे गया है रास्ता, मुझे तो नहीं पता, मैं आधा रास्ता घूमूंगा। और छोटा वाला रोड है जो, जिसको रिंग रोड पे चढ़ना रहता है वो चढ़ जाता है ये वाले रोड से, इसके ऊपर से पूरा रिंग रोड है। और यहाँ पे स्कूल है, पता नहीं कौन सा स्कूल है, आगे जा कर के पढ़ करके हम बताएंगे। और अच्छा साईनाथ कॉलेज है, और ये यहाँ पहले शोरूम हुआ करता था महिंद्रा का, मगर अब पता नहीं शोरूम भी बंद है, शायद चला नहीं इसलिए बंद कर दिया। और हम लोग इंटर कर चुके हैं रिंग रोड। देख लिया होगा रिंग रोड, और एक अंकल आया था, मुझे बताया कि आगे गुटवा तालाब है, तो उस वाले रोड में मैं एक बार जाकर के तालाब भी आप करके दिखा दूंगा, गुटवा तालाब कैसा है और पानी साफ है या फिर गंदा है, क्योंकि हमारे घर तरफ का बड़ा तालाब है जिसमें पानी तो पूरा गंदा है, नहा नहीं सकता आदमी, पी नहीं सकता। अब यहाँ का पानी और यहाँ का तालाब में देख करके आपको बता रहा हूँ, काफ़ी स्पीड में जा रहा है ये गाड़ी, बहुत स्पीड में जा रहा है, और ये रोड में स्पीड में गाड़ी तो स्पीड में ही चलता है क्योंकि रिंग रोड है, और बड़ा बड़ा लॉरी लगा हुआ है, ट्रैक्टर जा रहा है, और मेरा डीवे यहाँ पे खड़ा है, और हम भी यहीं पे खड़े हैं। तो गाइस मैं अभी वो जो तालाब के बारे में बताया, मैं वहाँ पे एक बार जा कर के देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ वो तालाब, कुटवा तालाब है। तो अब हम चलते हैं, और स्पीड में गाड़ी आ रहा पीछे से, मुझे भी स्पीड में चलना होगा, अरे तो मुझे मार देगा। तो आगे हम पड़ गए, और यही है टर्निंग।
तो शायद इसी में बाईपास के पास में देख रहा था। और हाँ, मुझे तो देख गया बड़ा तालाब, आप लोग आगे थोड़ी देर में आता। काफ़ी अच्छा है यार मेन रोड, इधर जाना है। ये कौन सा पुल है मुझे नहीं मालूम, वो पिछले वाला पुल तो मुझे बताया वहाँ का गुटवा ब्रिज है ऐसा कुछ बोला, ये कौन सा ब्रिज है मुझे नहीं पता। और मुझे जाना है राइट, और मैं राइट आ गया और मुझे दिख गया तालाब, आपको भी दिख रहा होगा तालाब। एक मिनट, अच्छा से मैं आपको बोल दिखा दूँगा। तो ये है तालाब, तो मैं तालाब का उस साइड जा करके आपको दिखाता हूँ तालाब कैसा है, पानी साफ है, पानी गंदा है, या फिर कुछ और है तालाब में, देख लेते हैं। इधर भी देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा प्लेस है, इसको शायद गुटवा तालाब बोलते हैं। और आगे तालाब के साइड यहाँ पे लगा हुआ है मारुति वैन, जिसमें चिप्स कुरकुरे और क्या क्या रखा हुआ है मुझे नहीं पता। और इधर हम आ गए, आगे सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। ठीक है, मैं अपने ये जो तालाब बोल रहा था, मैं यहाँ पे आ गया और पता चला कि ये गुटवा तालाब है और वहाँ पे नहा रहे, तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे नहा रहे और कैमरे में वो लोग आ जाएगा तो फिर मुझे ढूंढेगा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। आपको दिख गया होगा तालाब, यही तालाब है जो उस अंकल ने मुझे बताया था कि वहाँ पे तालाब है, गुटवा तालाब है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा है तालाब, तो मस्त है यार, आदमी यहाँ पे नहा सकता है। वहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है, मगर वो पानी की वजह से मतलब डूब गया है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर जूम करके अगर होता है तो मैं दिखा दूँगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, कैमरा से नहीं कर रहा हूँ। अगर दिखता है तो मैं दिखा देता हूँ, तो आपको गाइस दिखता होगा, अगर नहीं दिखता होगा तो एक मिनट मैं जूम कर देता हूँ मोबाइल कैमरा से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो चिड़िया बैठा है, वही शायद मंदिर है, और वही मंदिर पानी की वजह से डूब गया है। मेरे पास कैमरा तो नहीं है, मेरे पास मोबाइल है, इसलिए आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बस तालाब देख लो। अच्छा है, यहाँ पे नहा रहा है, पानी साफ़ है, बड़ा तालाब से तो काफ़ी ज़्यादा साफ है, तभी तो यहाँ नहा रहा आदमी। काश हम लोग के घर के साइड ऐसा रहता ताकि हम लोग भी वहाँ जा करके नहाते। फाइनली गाइस, मैंने आपको तालाब दिखा दिया, रोड दिखा दिया, और बहुत सारा है घूमने का जगह, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी धूप है और मैं अब घर निकलने वाला हूँ, और मुझे भूख भी लग रहा है। मैं खाना वाना नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया था, अब मैं घर जाने वाला हूँ। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, और बस यहीं पर ब्लॉग एंड करते हैं, बाय।